हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको पार्ट दो किसान की विनम्रता की एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। बच्चों ये पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं, आज मैं इसकी क्या करवाऊंगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक निकालिए और इसकी एक्सरसाइज लिखनी शुरू कीजिए।
हाँ तो बच्चों आपको नीचे का पूरा दिखाई दे रहा है ना। अब मैं आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाने जा रही हूँ। दिए गए रनिंग शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखो। दिए गए शब्दों के सही रंगीन अर्थ सही अर्थ चुनकर लिखो। किन शब्दों के? रंगीन शब्दों के। यहाँ पर रंगीन शब्द कौन से है? सेनापति। यहाँ पर रंगीन शब्द क्या है? सेनापति। दूसरा है सरदार अपने साथ कुछ स्वस्थ। तो ये स्वस्थ जो है यहाँ मैंने कलर से नहीं लिखा है, क्या क्या है उसको रेखांकित किया है या अंडरलाइन कर दिया है। तो सरदार अपने साथ कुछ स्वस्थ। अब तीसरा है किसान ने विनम्रता पूर्वक को मैंने क्या किया? अंडरलाइन या रेखांकित किया है, उसके नीचे रेखा खींची है। क्योंकि यहाँ पर आपकी पुस्तक में रंगीन शब्द दिया गया है ना, यहाँ पर रंगीन शब्द नहीं है, तो मैं आपको किस तरह से पढ़ा रही हूँ, किस तरह से समझा रही हूँ, उसके नीचे रेखा खींच करके। सरदार का क्रोध शांत हुआ, यह क्रोध। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? दिए गए जो रंगीन शब्द है, ये जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, उसको रेखांकित किया है, इसके सही अर्थ आपको चुनकर लिखने हैं। जैसे बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, नायक, अभिनेता, नेता और तलवार। तो यहाँ पर आप अपनी पुस्तक में देखिए, यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है, बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। वे बहादुर, वे बहुत बहादुर होने के साथ साथ अपनी सेना का ख्याल रखने वाले नेता थे। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, ठीक है, इसमें एक शब्द है नेता और एक शब्द है नायक। अभिनेता और कलाकार नहीं आएगा यहाँ पर आपको, क्योंकि अभिनेता कौन होते हैं? जो फिल्म एक्टर होते हैं या जो अपना स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कलाकार। तो यहाँ पर बच्चों दो शब्द हैं, एक है नायक और एक है नेता, ठीक है। अगर हम सेनापति शब्द बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? सही अर्थ होता है सेना का नायक, ठीक है। क्या होता है? सेना का नायक। मगर यहाँ पर सिर्फ नायक दिया गया है। क्या है? यहाँ पर सिर्फ नायक है। तो यहाँ पर नायक शब्द भी आ सकता है और नेता शब्द भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चाहे तो हम नायक भी लिख सकते हैं, सेना का नायक, और यहाँ पर नेता भी लिख सकते हैं। तो सही शब्द क्या हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर? नेता, नेता या उसको नायक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेता शब्द भी सही है और नायक शब्द भी सही है, ठीक है। क्योंकि सेनापति किसको कहते हैं? सेना के नायक को। सेनापति किसको कहते हैं बच्चों? सेना के नायक को। तो नेता भी गलत नहीं है और नायक अगर हम शब्द यूज करते तो वो भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो नेता भी थे, बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति का अर्थ क्या हुआ? नेता भी थे और उसके सेना के नायक भी थे, ठीक है। अब दूसरा है, मगर इसमें से चाहे तो आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। ख, सरदार अपने साथ कुछ स्वस्थ सैनिकों को लेकर गया। सरदार अपने साथ कुछ स्वस्थ सैनिकों को लेकर गया। भीम काय, हंस खुश कमजोरिया अस्वस्थ। तो बच्चों सरदार अपने साथ कुछ स्वस्थ सैनिकों को लेकर गया, तो स्वस्थ का सही अर्थ क्या होता है? क्या होगा? हस्त पुष्ट। सही अर्थ क्या होता है बच्चों? हस्त पुष्ट, ठीक है। यहाँ भीमकाय, हस्त पुष्ट, कमजोर और अस्वस्थ। कमजोर अस्वस्थ भी नहीं होगा, भीमकाय भी नहीं होगा शायद। सही शब्द क्या होगा? हस्त पुष्ट। हाँ, किसान ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। तो यहाँ पर सही अर्थ क्या होगा विनम्रता पूर्वक का? हंसते हुए, भारी आवाज, जोश या नम्रता के साथ। सही शब्द क्या होगा? किसान ने जो उत्तर दिया था वो हंसते हुए दिया था, बहुत भारी आवाज थी किसान की,
या बहुत जोश था उसको या नम्रता के साथ। तो सही क्या आएगा इसमें बच्चों? हंसते हुए भाग्य और जोश ना नम्रता के साथ। सही उत्तर क्या होगा? नम्रता के साथ। सही उत्तर क्या है? नम्रता के साथ, ये वाला। अब है सरदार का क्रोध शांत हुआ। सरदार का जो क्रोध था वो क्या हुआ? बहुत शांत हुआ। उसका क्रोध बहुत शांत हुआ। तो क्रोध का सही अर्थ क्या होगा? जोश होगा, गुस्सा होगा, भूख होगा या आलस्य होगा। तो जोश का क्या होता है? हमें जब कोई काम करना होता है तो हम बहुत जोश के साथ करते हैं, या हमको कोई काम करना होता है तो बच्चों हम बहुत जोश के साथ करते हैं। कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी हमें बहुत भूख लगती है, और कभी कभी हमको बहुत काम करने में आलस आता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सरदार का क्रोध, क्रोध का अर्थ क्या होगा? गुस्सा। क्रोध का अर्थ क्या होगा? गुस्सा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये जो चार एक्सरसाइज, चार वाक्य जो बताए हैं उसको एक बार फिर से दोहराती हूँ। दिए गए रंगीन शब्दों के सही अर्थ चुनना देखो। तो यहाँ पर रंगीन शब्द कौन से हैं? सेनापति, ठीक है, और स्वस्थ, विनम्रता पूर्वक, और यहाँ पर क्रोध। ठीक है, अब इस चारों के सही उत्तर क्या होंगे? नेता भी बोल सकते हैं या नायक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों है। बाजीराव पेशवा और मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। अगर सेनापति का सही अर्थ देखेंगे तो सेना का नायक, और यहाँ पर नायक नहीं लिखा हुआ है, खाली यहाँ पर नायक लिखा हुआ है, सेना का नायक नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका सही उत्तर नेता भी लिख सकते हैं। ख, सरदार अपने साथ कुछ स्वस्थ सैनिकों को लेकर गया। तो स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? हस्तपुष्ट। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? हस्तपुष्ट। अब है किसान ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हंसते हुए, भारी आवाज, जोश या नम्रता के साथ। तो विनम्रतापूर्वक का सही अर्थ क्या होता है? नम्रता के साथ। घर सरदार का क्रोध शांत हुआ। सरदार का क्रोध जोश, गुस्सा, भूख या आलस्य। तो सही उत्तर क्या है? क्रोध का गुस्सा। तो बच्चों आप चाहें तो अपनी बुक में सिर्फ इसके उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है, और नोटबुक में क्या लिखेंगे? उन पूरे उत्तरों को, या पूरा आप किस में लिखेंगे? नोटबुक में लिखेंगे, और बाकी का आप किस में लिखेंगे? अपनी बुक में। बुक में आपको एक एक वर्ड ही लिखना होता है। बुक में क्या करना पड़ेगा आपको? एक एक बुक में आपको सिर्फ एक एक वर्ड लिखना पड़ेगा। तो बच्चों आपने ये पूरा लिख लिया होगा, क्योंकि मैं बहुत देर से आपको ये लिखवा रही हूँ। तो बच्चों आज का जो ये एक्सरसाइज है या आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों।